सादगी से मनाएं, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पंजाब हुकूमत का ईद पर लोगों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि ईद पर लोगों की ज्यादा नकलो हरकत की वजह से कोरोना केसेस में इजाफे का खतरा है। ईदगाह में 6 फीट के फासले पर निशानात लगाए जाएंगे। नमाजी ईद की नमाज के लिए जाय नमाज घर से लेकर आएंगे। ईदगाहों के दाखिली दरवाजों पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की सहूलत मौजूद होगी। मस्जिद में ईद की अदायगी के दौरान दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएंगी। NCOC ने हदायत जारी कर दी। शटर खटखटाओ और सामान ले जाओ, दुकानदारों ने लॉकडाउन का तोड़ निकाल लिया। मार्केटों में चोरी छुपे कारोबार जारी। दुकानों के बाहर खड़े हुए मुलाजिम ग्राहकों को मुतवज्जो करने लगे। इशरा बाजार में खवातीन बगैर मास्क बच्चों के हमरा शॉपिंग में मगन रही। शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। लाहौरियों की गैर संजीदगी से कोरोना कम होने की बजाय बढ़ने का खदशा। महंगाई के पिच पर ब्रॉयलर की धुआंधार बैटिंग जारी है। चौथी के बाद पांचवी सेंचुरी पर भी नजर रख ली। कीमत में मजीद 7 रुपये इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 422 रुपये फी किलो में फरोख किया जाने लगा। यकूम रमजान से लेकर अब तक ब्रॉयलर 86 रुपये फी किलो महंगा हो चुका। बढ़ते हुए दाम से शहरी तो सटपटा उठे, दुकानदार भी चकरा कर बैठ गए। खरीदार कम होने से ब्रॉयलर बेचने वाले परेशान हो गए। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। लाहौर में मजीद 43 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 704 अफराद में वायरस की भी तस्दीक हो गई। सूबह भर में 67 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में वाजे कमी आ गई। जेरे इस्तेमाल वेंटिलेटर्स की शरह 72% रिकॉर्ड की गई। ऑक्सीजन बेड्स पर 36% कोरोना के मरीज मौजूद हैं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 879 मरीज जेरे इलाज हैं। किया लाहौर ईद पर कचरा कुंडी बन जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए। इन्फेंट्री रोड पर जगह जगह कचरा जमा होने से ताफुन फैलने लगा। निस्बत रोड दयाल सिंह कॉलेज के करीब भी गंदगी जमा हो गई। कई हफ्तों से कोई भी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आता, शहरियों की दुहाई। तर्जुमान LWMC कहते हैं कि शहर भर से 6,346 टन कूड़ा उठा लिया गया है। ईद पर खसूसी सफाई प्लान तैयार किया गया है। रेड क्रिसेंट की जानिब से सहाफियों के लिए 1000 N95 मास्क का तोहफा। चेयरमैन हिलाल अहमद इब्राहिम हक का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वालों पर कोरोना का ज्यादा असर नहीं होता। हिलाल अहमद के प्लेटफॉर्म से 2000 लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन ना लगवाने वालों को आगाही फराहम करने की जरूरत है। लाहौरियों को मुजरे सेहत गोश्त खिलाए जाने का इंकशाफ हो गया। फूड अथॉरिटी का शहर में क्रैकडाउन। 1498 किलो नाकिस और मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। 1130 दुकानों की चेकिंग की गई। DG फूड अथॉरिटी कहते हैं कि हशरात की बहतात और गैर मियारी स्टोरेज की बिना पर कार्रवाइयां की गईं। और सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त शराइत आयद कर दी गई। सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए करंतीना लाजिम करार दे दिया गया। मुतलिका एयरलाइंस को करंतीना इदारों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी जरूरी करार दे दिया गया।